हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो दिन के 3 बज रहे हैं, आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो दिन में सो गई, अभी उठी हूँ तो देख रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो अभी एक दो काम से बाहर जा रही हूँ, तो चलिए सारा काम निपटा के आते हैं। मेरे बाबू को क्या चाहिए? आपके लिए खाना लेके आएगी मम्मा। आइसक्रीम खाना है आपको? नहीं अभी नहीं बोलते ना, अभी आप छोटे हो। अपने नानी के घर और नानी के साथ खेल कर रही है मतलब सामने वाली आंटी, और अभी हमें आप सोच रहे हो कितनी तैयार की हुई हूँ मैं इतनी सी दूरी पे आने के लिए। तो मैं और शिवांगी हम दोनों जा रहे हैं कहीं बाहर, अगर प्रिशु रह गई अपने नानी जी के पास तो अभी वो खेल रही है। A few moments later. शाम का बहुत ही सुहाना सा मौसम है और अभी जा रहे हैं कुछ काम से बाहर मैं और शिवांगी। प्रिशा को अभी आंटी के पास छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर, क्योंकि उसे लेके जाती तो फिर वो टाइम भी लग जाता और वो जिस काम से जा रही हूँ वो करने भी नहीं देती। तो चलिए मेरे साथ आगे, फिर दिखाती हूँ किस काम से जा रहे हैं हम। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो अभी हमारी लेडी सुपर हीरो ड्राइव कर रही है। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमें फ्रेम दिखाएंगे, उसके बाद चूज करना है कि कौन सा डिसाइड होता है। तो फाइनली आपने देख लिया कि हम कहाँ आए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं ऑप्टिकल शॉप पे, और शिवांगी मेरी फ्रेंड है, इन्हें बनवाना है स्पैक्स, उनका स्पैक्स टूट गया है ना, टूट गया है। तो अभी पहले हमने परमिशन लिया है यहाँ पे शूट करने का, उसके बाद शूट कर रही हूँ। देख सकते हो शॉप काफ़ी अच्छा है, अगर आप भी इधर रहते हो ईस्ट जोन में, ईस्ट दिल्ली में, तो आप आ सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा है। कलेक्शन भी चेकअप करवा रही है, आफ्टर दैट मुझे भी चेकअप करवाना है, बिकॉज मेरी भी आईज थोड़ी सी ऐसा लगता है ब्लर ब्लर दिखता है जब से बेबी हुई है। देखती हूँ मेरा भी नंबर आता है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। मेरे पे तो ये ऐसा ज्यादा ही नहीं है, मैं सब ज्यादा ही। चलो यार, मेरी बेटी बहुत बाहर निकल गई हूँ, बट अभी मैंने क्या लिया है क्या किया ये सब घर जाके बताऊंगी, बिकॉज माइक लेके नहीं आई हूँ और वॉइस क्लियर नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ आके मुझे कुछ और पता चला जो मैं आपको आगे बताऊंगी, मेरे लिए बहुत शौक वाली बात है। बट चलिए घर, फिर उसके बाद बताओ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। मेरा बाबू की कमी मेरा जीत भी छोड़ दे, नानी के पास आपको छोड़ के गई थी ना थोड़ी देर, आप नानी के साथ खेल लो। प्रिशा को छोड़ के मम्मा चली गई थी नानी जी के पास, पहले तो ये बहुत अच्छे से चूचू टीवी देखती रही आंटी के पास, और जैसे ही मैंने वीडियो कॉल किया बस इतने में रोना शुरू कर दिया। अब तो वहां पे मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगा, मैं भागते हुए आई हूँ और 5 मिनट में हम पहुंच गए यहाँ पे। अंकल बताइए क्या बता रहे हो? मैं कह रहा था कि अगर नजर में अगर फर्क हो या नजर कमजोर हो तो आप एक सफेद मिर्च आती है वो सफेद मिर्च खाना शुरू करें। अच्छा। उससे आपकी नजर सही हो जाएगी और जो नंबर वगैरह बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। अच्छा। अगर आपको फायदा मिले और भी आपको ज्ञान की बात लेनी है मिलिए हमारे अंकल से, इस टाइम में इसको भी पिला दो। ये क्यों हंस रही है, इसे क्यों हंसी आ रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या समझ आ रहा है इस लड़की को। बाय 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 सबको कर दो, बाय बाय बाय। सबसे अच्छी आंटी लगती है वीडियो में, शक्ल तो आपकी इतनी अच्छी है, मैंने देखा आपकी जवानी की फोटो, देखा क्या हो रही इतनी सुंदर लगी। नहीं वो कुछ नहीं, वो तो अभी कुछ टाइम पहले का है, तुमने देखा ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऐसे ही बोला करो। अब हम लोग जा रहे हैं घर और रात के अभी क्या टाइम हो रहा है, 10 बज गए, तो चलिए अब घर चल के बात करते हैं। कैसे लग रही हूँ मैं अंधी या अच्छी सी? एक्चुअली रास्ते में नितेश मिल गए थे,
और ये भी वही प्रशा को लेने आ गए, तो वहां पे ये अंकल से बात करने लग गए, इस वजह से टाइम हो गया ज्यादा। और अब हम घर आए हैं, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। बट उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने वहां पे बोला था शॉप से बाहर कि मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना है, तो वो मैं अभी बताती हूँ आपको, थोड़ा सा चेंज कर लूँ। घर आने के बाद सोचा कि जाके पहले खाना बनाऊंगी, बट नहीं, आते ही प्रशा ने सर में चोट लगा लिया, खाना बन नहीं पाया। और अभी इस टाइम पे मैं बना रही हूँ सेवई इंस्टेंट वाला दूध में, क्योंकि इनका मन था कि आज थोड़ा सा मीठा खाना है, तो इन्होंने दिन में ही बोला था, तो अभी मैंने सेवई बना दी। फ्रिज में दूध पड़ा हुआ था 2-3 पैकेट, मतलब यूज़ हो जाए। सुनो, सुन रहे हो? अभी मैं आपको ना वो बात बता रही हूँ जो मैंने बोला था बाहर की, घर जाके करूँगी, तो आपको और नितेश दोनों को साथ में बताऊँगी। मेरे को थोड़ा टेंशन भी हो रहा है। नितेश, नितेश सुनो, सुन लिया करो यार, मेरी भी बात सुनते नहीं हो एक बार भी। अरे यार काम कर रहा हूँ, चश्मा वैसे ही खुला है। डरी हुई हूँ और तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहता है चश्मा खुला हुआ, अभी भी नहीं सुन रहे हो। सुन लो प्लीज, सुन लो मेरी बात। हाँ बताओ बताओ, क्या हुआ? तुम्हें पता है अभी शाम को मैं गई थी शिवांगी के साथ आई टेस्ट करवाने के लिए, उसने अपना आई टेस्ट करवाया और साथ में मैंने भी अपना आई टेस्ट करवा लिया, तो मेरा नंबर तो उससे भी ज्यादा बड़ा हुआ है यार। उसने बोला कि अगर आप नहीं रेगुलर स्पेक्स वेयर करोगे तो आप तो बिल्कुल ही आपको नहीं दिखेगा बहुत ज्यादा। ये तो मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, टीवी कम देखा करो। टीवी में कहाँ देखती हूँ, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने भी आई चेकअप करवा के मैंने बनवा लिया है, कल जाके लेना है उससे। तो ठीक है, अच्छा बात है, मेरा ठीक है, जाके चेकअप करवा के देखो। नहीं मेरा ठीक है, मेरी आईज का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, मुझे कुछ भी नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ वो भी नहीं दिखता है मुझे। इतने दिन से ट्रायल नहीं लिया था, बट आज जब मैंने ट्रायल लिया तो पता चला कि दिखता है। सुनो, ट्रायल कैसे लिया जाता है मैं बताता हूँ। न्यूज़पेपर को पढ़ो, ट्रायल लो, अगर तुम्हें उसमें दिखाई देता है तो समझो कि तुम्हें तुम्हारा आँख ठीक है। अगर न्यूज़पेपर तुम पढ़ती हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो समझ लो कि तुम्हारी आँखें गई। ज्यादा मजे मत लो, कितनी उंगली है ये बताओ जल्दी। नहीं बता दो, जल्दी बताओ ना, देखो सही, दो है और कितनी है सच में, इतना तो तीन दिख रहा है। नितेश रहने दो, जाओ प्रिशा देखो। प्रिशा के सर में चोट लग गया बहुत तेज मेरे आते ही, और मेरी बिटिया रानी अकेले खेल रही है। हैं भाई तू, चोट लग गया, इंची में इंची देख रही है ये। हाय करो, हाय करो, हेलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओह, इसे चाहिए गिम्बल चाहिए, खेलने में लगी हुई है, देख लो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, नमकीन खाने में लगी हुई है दीदी। फ्रिज में बादाम का पेस्ट पीस के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें सेवई में डाल दी हूँ, और बहुत ही डिलीशियस लगने वाला है। मैं खाऊंगा। प्रिशा खाएगी, जाओ प्रिशा खाएगी। अब वो भी करेगी ऐसी, प्रिशा भी करेगी ना, क्या ऐसी करेगी, हम लोग कहेंगे डिलीशियस बना है, ये बना है, वो कहेंगे पहले मैं टेस्ट करूंगी, उसी को मैं टेस्ट ही करवाऊंगी, वो उसे बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो बकते रहे। उसकी मम्मा है ना, आ गई खाने वाली यार, खाती लेकिन नहीं अभी। आज भी दिन में मैंने उसे थप्पड़ मारा, आज पता है मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि अपने हाथ पे मन कर रहा था किसी चीज से पत्थर से मार लूं, क्योंकि मैंने उसे पहले वो खा नहीं रही थी, मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। मुझे मेरा मन कर रहा था ताकि तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊं, 10 महीने की बच्ची को मारती है पागल। अरे मोटी, अरे मोटी खा रही है, देखो टेस्ट करके देख लो अच्छा बनाया नहीं। लो हर चीज टेस्ट करके मुझे भी खिलाती हो, ऐसे ही करती हो, बहुत ही डिलीशियस वाला। चलो चलो आ गया है हमारे लिए, क्या आया भाई? हाँ मेरा बच्चा, सेविया आई है, सेविया हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे सेविया। सेविया खाने के बाद हम लोग अब करेंगे नीनी, तो इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं चैनल पे तो। स्मिता जी आपको कल मिलेंगी, मैं तो कभी कभी आता हूँ, मैं भी तो मेहमान हूँ, क्या करूँ, बिजी रहता हूँ ज्यादा। गुड नाइट, बाय बाय।